इंडियन टाइम्स डेली ते तुहाडा सारा दा स्वागत है। पंजाब दीआं 10 मुख खबरां हन। सीएम अमरिंदर सिंह दा कहना है कि 1965 दा भारत पाकिस्तान युद्ध बराबरी दा सी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कच्छ दे कुछ इलाके अपने कब्जे विच लिते तां भारत ने उत्तरी भारत पंजाब विच बढ़त लिती सी। इस्लामाबाद उस युद्ध विच खुद दी जीत दसदा अते हर 6 सितंबर नूं डिफेंस डे दे तौर उते मनांदा है। अपनी हालिया फंड ड्राइव के दौरान वाशिंगटन स्थित एक सिख मानव अधिकार संस्था ने पंजाब के अल्प अधिकार प्राप्त छात्रा नूं पढ़ाई की वधिया सुविधा देने के लिए हुण तक $210,000 की उगाई की है। इस स्कॉलरशिप का लाभ करीब 2700 छात्रा ने चुकिया है अते अज उन्हां विचों कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अते साइंटिस्ट भी बने हैं। एसईडी के मुखिया सुखबीर सिंह बादल अते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजिठिया उत्ते हरीके ब्रिज नूं ब्लॉक करन दे लई पब्लिक दे लई असुविधा खड़ी करन दा मामला दर्ज किया गया है। कुछ घंटिया बाद ही पार्टी ने अपना राजव्यापी आंदोलन खत्म कर दिता जो उन्होंने एसईडी लीडर के खिलाफ अटैम्प टू मर्डर का झूठा आरोप लगाए जाण दे अते बेतुकी वजावां तो विपक्ष के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द किए जाने की वजह की शुरुआत की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अते फरीदाबाद तो सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के 30 आम निर्वाचन क्षेत्र के ललित नगर तो कांग्रेसी विधायक के खिलाफ 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकिया है। विधायक ने उन्होंने खिलाफ भ्रष्टाचार अते अवैध गतिविधियां विच लिप्त होने का आरोप लगाया सी। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल नूं निर्देश दिता है कि वह राज विच शांति अते कानून व्यवस्था नूं वधिया बनाए। यह निर्देश निकाय चुनाव तो ठीक एक हफ्ते पहला आया है। बटाला पुलिस ने पंजाब विच एक सस्पेक्टेड ISI एजेंट नूं गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गुरमुख सिंह आकागुरी ने कथित रूप तो पिछले 8 सालों तो ISI नूं भारतीय सेना की जानकारी दी है। अमृतसर के निवासी शहर के वाहनों उत्ते लगे कान के पर्दे फाड़ देने वाले हॉर्न्स के मुद्दे नूं 17 दिसंबर नूं होने वाले निगम चुनाव विच खड़े उम्मीदवारों के कोल ले जाने की योजना बनाई है। वो लोग इस तरह के हॉर्न्स नूं बैन करवाना चाहते हैं। एक JDSP सहित 4 पुलिसकर्मियों नूं निलंबित कर दिया गया है। वीरवार नूं फगवाड़ा सब जेल तो 2 विचाराधीन कैदी के भजन उत्ते ड्यूटी विच उन्हां दी लापरवाही की वजह तो उन्हां नूं यह सजा दी गई। नोएडा विच एक महिला अते उस 11 साल की बेटी का दोहरा हत्याकांड सुलझ गया है। उन्होंने 16 साल के बेटे ने स्वीकार किया है कि उसने उन्होंने दोनों का पिज़्ज़ा कटर नाल कतल किया सी क्योंकि घर के किसी छोटे जे मुद्दे उत्ते उसनू डांट सुनी पई सी। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने आगामी बायोपिक सुरमा की शूटिंग करते वेले मैदान में अपने खेल का हुनर पेश किया। इस तो पहला इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 बार ना किया सी। शाद अली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में वह भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। साडे नाल जुड़े रहो दोस्तों, असीं भारत अते कैनेडा दीआं महत्वपूर्ण खबरों के नाल जल्दी वापस आवांगे।